दोस्तों नमस्कार, टेक भारत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं डिजी लॉकर से जाति प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के बारे में। जी हाँ, अगर आपके मोबाइल में जाति प्रमाण पत्र है तो वह कभी भी डिलीट हो सकता है, लेकिन अगर डिजी लॉकर में डाउनलोड करते हैं तो कभी डिलीट नहीं होगा। वहाँ से जब भी चाहे तब यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब डिजी लॉकर से जाति प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड करेंगे आज की इस वीडियो में उसी के बारे में बताने वाला, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करें। अब डिजी लॉकर से जाति प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर को ओपन कर देना है, और जैसे भी गूगल प्ले स्टोर ओपन करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपल यहाँ पर डिजी लॉकर टाइप करना है, और जैसे यहाँ पर डिजी लॉकर टाइप करता है उसके बाद यहाँ पर सर्च ऑप्शन पर क्लिक करना है, और जैसे भी सर्च ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पर डिजी लॉकर अपलीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना। मेरे में पहले से डाउनलोड है अर्थात यहाँ पर इंस्टॉल है, तो हम यहाँ पर ओपन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अर्थात आप भी यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद ओपन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर ओपन ऑप्शन पर क्लिक करें उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आता है, आपको गेट स्टार्टेड का ऑप्शन पर क्लिक करना है, और जैसे पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आता है, ठीक है। और दूसरा क्रिएट अकाउंट, अगर आपके यहाँ पे डिजी लॉकर पे अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या करना है, आपको आधार कार्ड पर जो नाम लिखा गया है तो पूरा नाम यहाँ पर लिख देना, उसके बाद यहाँ पर जन्मतिथि आपको यहाँ पर भर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर महिला पुरुष जो है आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको डाल देना है, फिर यहाँ पर 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन बना लेना है, ठीक है। आप यहाँ पर पिन आप अपने अनुसार निर्धारित कर सकते हैं, जो आप पिन रखना चाहें, जैसे मोबाइल नंबर भी रख सकते हैं, मोबाइल के प्रथम 6 अंक आपको याद करने में आसानी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी एक डाल देना है, उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर डाल देना है। ये सब डालने के बाद यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और सबमिट के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करें उसके बाद यहाँ पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को वेरीफाई करेंगे। चूंकि मेरे यहाँ पे अकाउंट बन चुका है इसलिए यहाँ पे दोबारा अकाउंट नहीं बन सकता है, ठीक है। अर्थात एक व्यक्ति की एक ही बार अकाउंट बनेगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और नहीं तो यहाँ पे बैक का जो ऑप्शन है उसके बाद यहाँ पे देखेंगे साइन इन का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर हमको क्लिक करना है, और इस पर जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे जो आपने मोबाइल नंबर या आधार नंबर डाला था उसमें उसको यहाँ पे डाल देना, और 6 डिजिट का जो सिक्योरिटी पिन दिया है उसको डालकर, और यहाँ पे जो साइन इन का ऑप्शन आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे पे साइन इन का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे ओटीपी आएगा, देख सकते हैं इंटर ओटीपी आ रहा है, अर्थात यहाँ पे जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उस पर एक ओटीपी आएगा, उसको यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे पे ओटीपी फिल कर देंगे उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सबमिट का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, और जैसे पे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आप लॉग इन हो गए, ठीक है। अर्थात डिजी लॉकर में लॉग इन हो गए, यहाँ पे देखेंगे ऊपर में आपका नाम देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको जाति प्रमाण पत्र डाउनलोड करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है ना इसमें स्क्रोल डाउन करना है, और यहाँ पे आपको देखना है, ठीक है, आपको जाति प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट यहाँ पे देखने को मिल जाता है, कास्ट सर्टिफिकेट। अगर यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो सर्च वाला आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ऊपर में सर्च करना है कास्ट सर्टिफिकेट, देख लीजिएगा यहाँ पे आपको टाइप करना है कास्ट, जी हाँ, CASTE, और उसके बाद यहाँ पे सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और जैसे सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखेंगे सभी राज्यों का यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो आपका जो होगा ना उसको सेलेक्ट कर लेना है, और नहीं तो क्या करना है, आपको बैक आ जाना है, वहाँ से नहीं देखने को मिल रहा है, और यहाँ से देखेंगे जितने भी स्टेट है एक्सप्लोर मोर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जितने भी राज्य है उस पर आपको क्लिक करना है। हम यहाँ पे बिहार पर क्लिक करेंगे, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे जितने भी सर्टिफिकेट रहता है सब देखने को मिल जाता है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे हम कास्ट सर्टिफिकेट देख लेंगे, ठीक है। और नहीं तो वहाँ पे जो कास्ट सर्टिफिकेट का लोगो दिख रहा है तो वहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए कास्ट सर्टिफिकेट की जगह ओबीसी दिखेगा, और वहाँ पे होम पेज पर कास्ट सर्टिफिकेट दिखेगा, और जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे नाम आपका ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करना, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, अब एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर क्या है उसको मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास एक कास्ट सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पे देखिए जो प्रमाण पत्र संख्या दिख रहा है जिसे मैं सिक्योरिटी पर्पज की वजह से ब्लर कर दिया, इस प्रमाण पत्र संख्या को क्या करना है यहाँ पे कॉपी कर लेना है, और नहीं तो आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ देखेंगे एक टोकन नंबर देखने को मिलता है, ठीक है। वहाँ पे चूंकि टोकन नंबर आता है तो वहाँ पे आएगा, मैं आप लोग को जूम करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सबसे नीचे में देखेंगे बहुत छोटा में लिखा हुआ मिल जाएगा था टोकन नंबर, इसको आपको दोनों को नोट कर लेना है, और नहीं तो कॉपी कर सकते हैं बारी बारी से। और उसके बाद यहाँ पे डिजी लॉकर अप्लीकेशन ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे गेट डॉक्यूमेंट का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, और इस पर जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट, यहाँ पे थोड़ा एरर आ रहा है, ठीक है, थोड़ा देर में रिफ्रेश होकर डाउनलोड हो जाएगा। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा देर में रिफ्रेश हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा सर्टिफिकेट जो है रिफ्रेश हो रहा है। अब यहाँ पे सबसे नीचे में देख सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब इसको क्लिक करके हम क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं पीडीएफ ओपन हो गया, अब इसको डाउनलोड करना चाहते हैं गैलरी में, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे जब भी तो यहाँ डाउनलोड हो जाएगा। और नहीं तो दूसरे तरीके यहाँ पे 3 डॉट का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ से देख सकते हैं व्यू पीडीएफ के ऑप्शन में जब क्लिक करेंगे तो पीडीएफ ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने डिजी लॉकर में कास्ट सर्टिफिकेट अर्थात यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर सके हमेशा के लिए सेव रख सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, और ऐसी वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।